आने वाले 20 अक्टूबर से प्रदेश भर के मदरसों पर ताला लग जाएगा। यह घोषणा मदरसा पैरा टीचर संघ ने की है। आज झुंझुनू के अंबेडकर पार्क में मदरसा पैरी टीचर्स की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष आरिफ अली ने बताया कि 15 अक्टूबर से जयपुर में मदरसा पैरा टीचर्स का धरना शुरू हो गया है। गत दिनों दांडी यात्रा निकालने के दौरान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बधुवाली की मौजूदगी में पैरा टीचर्स को नियमित करने का आश्वासन किया गया था, लेकिन अभी तक इसी दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। पहले चुनाव के वक्त संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया कांग्रेस ने किया था, यह सरकार उससे भी मुकर गई। वहीं जब पैरा टीचर्स ने दांडी यात्रा निकाली तो भी समझौता कर उसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए झुंझुनू जिले के सभी पैरा टीचर्स 20 अक्टूबर को मदरसों को ताला लगाकर जयपुर में चल रहे धरने में शामिल होंगे। इस बार अपना हक लेकर ही वापस लौटेंगे। सर, आज की मीटिंग हमें सरकार ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी, बिंदु नंबर 4 पे और पहल नंबर 25 पे घोषणा की थी, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। अभी तक सरकार ने इस फैसले पे कोई प्रकार का निर्णय नहीं लिया है और हमारा धरना जयपुर में 15 अक्टूबर से हमने स्टार्ट कर दिया है। दांडी यात्रा भी की है, एक समझौता हुआ था खानू कबूत वाली के साथ, हमारा 30 सितम्बर को आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन सरासर हमारे साथ धोखा हुआ है। उसके अवैध में हम 20 तारीख को जयपुर में धरने में शामिल होंगे और 20 तारीख बाद में तमाम मदरसे राजस्थान के बंद करके हम सरकार का विरोध करेंगे और इस बार सरकार से हमारी लड़ाई आर पार की होगी, किसी प्रकार का समझौता या वार्ता नहीं होगी। पूरे राजस्थान के मदरसे बंद किए जाएंगे और पूरे राजस्थान भर में ही आंदोलन किया जाएगा।